ताज होटल के चौथे माले पर डीसीपी विश्वास नागरे पाटिल पिछले डेढ़ घंटे से आतंकवादियों को कोहराम मचाते देख रहे थे और लगातार रीइंफोर्समेंट की मांग भी कर रहे थे, और जब रीइंफोर्समेंट आई तो दूसरी बड़ी चूक हो गई। होटल ताज के कॉरिडोर में आतंकवादी आग लगाने की तैयारी कर रहे थे और पंथकों को पकड़ पकड़ कर एक कमरे में इकट्ठा कर रहे थे। ये तस्वीरें सीसीटीवी कंट्रोल रूम से विश्वास नागरे पाटिल देख रहे थे। उनको वहां मोर्चा संभाले करीब दो घंटे हो चुके थे, लेकिन बाहर खड़ी पुलिस का एक जवान भी अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा सका। पाटिल ने फिर आवाज लगाई। होटल ताज, रात 11:53। जोन 1 टू साउथ कंट्रोल रूम। साउथ के लिए रिप्लाई सर। ताज के ठिकाने अजून रीइन्फोर्समेंट बैक वॉटर। ये वो वक्त था जब आतंकवादी ताज के अंदर से कभी ग्रेनेड फेंक रहे थे, तो कभी तड़ातड़ गोलियां बरसा रहे थे। डीसीपी पाटिल की कॉल पर स्ट्राइकिंग टीम जो काफी देर से ताज के बाहर खड़ी थी वो अंदर जाने को तैयार हुई, लेकिन हुआ क्या अब ये देखिए। चार एस आर पीचे जवान सेकंड फ्लोर वरती। सेकंड फ्लोर न्यू ताज की ओल्ड ताज। साहब तुम्हें तो पीटर कुलाबा से आशा टीम ना कुछ पाठवायचं आहे। साहब तो आशा टीम तुम पीटर कुलाबा यांना रिपोर्ट करा, ते तुम्हाला मार्गदर्शन करतील। नजर आम्ही ताज हॉटेल मेन गेटला आलेलो आहे। धोनवर साहेबांना रिपोर्ट करायचं आहे ओल्ड ताज मध्ये की न्यू ताज मध्ये। धोनवर ओकेडोकडून साउथ कंट्रोल, न्यू ताज मध्ये सेकंड फ्लोर ना सेकंड फ्लोर ला इट इज। सर ऑफिस मॉल साउथ कंट्रोल सर, सर सांगा सर न्यू बिल्डिंग का ओल्ड बिल्डिंग म्हणून ओल्ड ताज नवीन 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 बिल्डिंग मध्ये पाठवतो नवीन ताज मध्ये। अर्जुन लवकर येतो तर पाठवून द्या। ओल्ड ओल्ड बिल्डिंग ओल्ड बिल्डिंग। हालात कितने खतरनाक थे जरा इसे समझिए। आतंकवादी ताज के अंदर थे, तबाही का तांडव चल रहा था, और उस वक्त पुलिस का वो दस्ता जो हथियारों से पूरी तरह से लैस है वो गफलत का शिकार हो गया। इससे भी खतरनाक बात ये कि जब ये गफलत दूर हो गई तब भी असॉल्ट टीम ओल्ड ताज में नहीं जा सकी। साहिल जोशी के साथ आशीष खेतान, मुंबई आज तक।